कुछ नहीं हो सकता है, सब बेकार है। बस यूट्यूब के भरोसे में मन बैठे रहो, दूसरे यूट्यूबर को देख के हाँ उसका बंगलो हो रहा है, पैसा आ रहा है। बस अपने चीज़ों पे फोकस करो कि यूट्यूब से यूट्यूब ये है ना, बस कहने की बोलने की बात होते हैं। 4 साल से मैं खुद मेहनत कर रही हूँ, मैंने कभी कॉमेडी वीडियो बनाए, कभी डांस का बनाया, ब्लॉग भी बनाया। बस जो मैं खुद के फोन से या तो कुछ बस कोई व्यू आता है, ज़्यादा व्यू तो नहीं आता है। आप ये सोचो कि दूसरे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने बंगलो ले लिया, अपना पैसा बना लिया सब कुछ, लेकिन उनका चैनल ग्रो हो चुका है भाई, उनका पहले से ही व्यू आता है। अभी तो यहाँ पे चैनल मोनेटाइज करना ही बड़ी बात हो गई है। बड़े बड़े यूट्यूबर जो बोलते हैं ना, डेली वीडियो अपलोड करो, ये मतलब एक कंटिन्यूटी बने रखो कि रोज अपलोड करो, ये करो, फायदा होगा, इतना पैसा है यूट्यूब में। हाँ भाई सच है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन ये कि सबके लिए बराबर है, सबके सब कोई कर सकता है। चार कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से वीडियो बना रहे हैं, तो फिर आदमी कितना दिन लगे रहे, तो पेशेंस है, मतलब पेशेंस आदमी का होता है कि मैं इतने दिन कर सकती हूँ। अब पीछे सारे काम छोड़ के एक टाइमिंग बना रहती है कि इसके पीछे मुझे भागना है। यूट्यूब यूट्यूब फेसबुक जो भी मानो ना, मतलब टाइमिंग से वीडियो डालती हूँ, सब कुछ करती हूँ, फिर भी कोई फायदा नहीं मिलता है। आदमी को तो एक पेशेंस होती है ना, बस हमारे पास जितना टाइम होगा उतना ही तो देंगे ना, जबरदस्ती का 2 साल 4 साल तो नहीं घिसड़ सकते हैं। तो हमने दे दिया इतना, इतना तो मतलब आदमी का, किसी का तो 1 दिन में ग्रो हो जाता है, 2 दिन में ग्रो हो जाता है, लेकिन हम लोग वीडियो देखते हैं और मोटिवेशन हमें मिलती है, और हम लोग वीडियो रेगुलर अपलोड करते रहते हैं, कभी फेसबुक पे करते हैं, कभी यूट्यूब में। तो मैं ये कहनी चाहती हूँ कि भाई इसमें कोई नहीं है, अगर व्यूअर्स को, हम बड़े बड़े यूट्यूबर को देखते हैं, वीडियो डालते हैं, हम लोग उनका वीडियो देखते हैं, हम लोग मोटिवेट होते हैं, लेकिन हमारा क्या है, मतलब हम तो हमारा वीडियो किसी के पास जाता ही नहीं है। देख मैं खुद बहुत साल से मेहनत कर रही हूँ, और मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ कि आप वीडियो मत डालो, या तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ मेहनत करो। और हम जैसे छोटे यूट्यूबर को कोई देखता ही नहीं है, पहले तो सब पहले हम देख लेते हैं कि इसके चैनल में कितना व्यू है, फिर जाके वीडियो पे क्लिक करते हैं या तो वीडियो पे रुकते हैं। हम जैसे छोटे यूट्यूबर के कोई वीडियो क्लिक अगर आ भी जाए तो वीडियो स्वाइप कर देते हैं। तो मैं ये किसी को डिमोटिवेटेड करना नहीं चाहती, और किसी को ब्लेम भी नहीं करना चाहती कि बड़े यूट्यूबर है जो भी है, लेकिन मेरा मेरा मकसद वीडियो बनाने का ये है कि क्या है ना, क्वालिटी इशू होती है, मतलब आपकी वीडियो कितनी क्वालिटी की होती है, आपकी वीडियो के ऊपर व्यूअर्स कितने रुकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती है सब कुछ, या तो और कुछ नहीं है। बस आप अपना मेहनत करो, किसी वहम में मत रहो कि मैं भी पैसा छाप दूंगी, मैं भी बंगलो बना लेंगे, ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मेहनत करते जाओ, शायद सफलता मिल जाएगी। सबको तो नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी कोशिश कर तो करते जाना चाहिए। जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं ना, जो ट्रिक्स एंड ट्रिप्स देते हैं कि ये कर दो पैसा छाप जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो भी कहीं ना कहीं अपने चैनल पे बहुत मेहनत किया होगा, फिर जाके उनको सफलता मिली होगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन बट क्या है ना, मेहनत करते रहना चाहिए, और ये वहम मत पालिए कि ये हम लोग कर देंगे। बस मेहनत करो और अपना किस्मत साथ देगा तो आप जरूर कर पाओगे। किस्मत का होना जरूर होता है कि तुम भी बड़े भी यूट्यूबर बन सकते हो, किस्मत की बात होती है। और ये है ना, मतलब ये वीडियो की क्वालिटी अच्छी करना चाहिए, और बैक कैमरा से हो सके तो बैक कैमरा से
कीजिए वीडियो, मेरे से नहीं होता है फ्रंट कैमरा वाली वीडियो, क्योंकि मुझे मेरा कैमरे पकड़ने वाला और कोई भी स्टैंड वगैरह नहीं है तो मेरे पास, और मुझे डिस्टेंस भी फील होती है बैक कैमरा से, तो मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाती हूँ, इससे मैं सही से बोल पाती हूँ। तो मेरा इस वीडियो पे आने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि बस अपना मेहनत करते रहो और बड़े यूट्यूबर की टिप्स एंड ट्रिक्स में मत जाओ, वीडियो की क्वालिटी को बेहतर करो और अपना मेहनत करते रहो, वही वीडियो पे व्यू आए या तो कुछ बने, देख के भी हौसला होता है, अच्छा लगता है, वीडियो बनाने का दिल करता है, रोज वीडियो बना और दो चार करके व्यू आए तो उसमें हम खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं और वीडियो सही से नहीं बन पाते हैं। वीडियो के लिए सिर्फ बड़े क्रिएटर नहीं, हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, खुद वीडियो बनाते हैं, उसको एडिटिंग करते हैं, एक सब एग्जैक्ट टाइम देते हैं सब उस वीडियो पे, तब जाके हम एक वीडियो बनती है अच्छी क्वालिटी की, अच्छी कैटेगरी की वीडियो बनती है। लेकिन इतने मेहनत के बाद जब देखो कि व्यू ही नहीं है तो कितना बुरा लगता है। मैं खुद मेहनत करती हूँ, मुझे पता है सब कुछ, और मैं 3 साल से लगातार मेहनत कर रही हूँ, मैं भी स्ट्रगल करती हूँ,